subscribe to my channel Searching the Knowledge and hit the bell icon to get the videos notifications. Hello friends, welcome to Searching the Knowledge. IGNOU ke taraf se notification aa gaya hai, jo log December mein exam dena chahte hain, BA ho, BCOM ho, MBA ho ya fir koi bhi subject mein exam dena chahte hain December mein, wo log apna form fill up kara le. Form fill up ka notification aa gaya hai, 5 October last date hai, to jo log uske baad karenge form fill up unko fine lagega. तो डिटेल हम यहाँ पर जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं उसके डिटेल्स में भी यहाँ पर हम जानते हैं. तो जनरली हमें जाना है, कोई भी आपका ब्राउजर ओपन कर लीजिए, मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, यहाँ पर गूगल में जाइए. गूगल में जाके आपको टाइप करना है IGNOU.ac.in, जो कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट है IGNOU.ac.in. IGNOU.ac.in पर जाने पर आपको इस तरह का पेज आएगा. यहाँ पर आपको IGNOU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. तो ऐसा एक पेज आएगा यहाँ पर. यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म के लिए. और अगर ये नोटिफिकेशन हट गया होगा तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं. ये जो टर्म एंड एग्जाम लिखा है यहाँ पर क्लिक करके भी आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं. तो यहाँ पर आने पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फ्री में आप कर सकते हैं. मतलब जो आपका जो एग्जाम फी है वही देके आप करेंगे. लेकिन अगर आप 6 अक्टूबर के से 20 अक्टूबर के बीच करेंगे तो आपको ₹500 का फाइन लगेगा ऑनलाइन में. और अगर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करेंगे तो आपको ₹1000 का फाइन लगेगा. तो इसलिए अच्छा हुआ कि जल्दी से कर दीजिए. और जो चेंजेस हुए हैं इस बार, पहले क्या होता था कि जो FHT, BSHM ये जो एग्जाम है BA, BCOM और BSC का और अदर प्रोग्राम्स का एक साथ ही हो जाता था. लेकिन अब ये चेंज हो गया है, ये टाइमिंग दोनों चेंज कर दिया गया है. BA और BCOM का एक साथ होगा, उसके बाद BSC और अदर प्रोग्राम्स का होगा. पर सब्जेक्ट आपको ₹150 एग्जामिनेशन फ्री देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको टोटल थ्योरी का ₹150 और प्रैक्टिकल का ₹150 ₹300 देना पड़ेगा. तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका एग्जामिनेशन फी कितना आएगा. उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में टिक मार्क देना है. उसके बाद प्रोसीड टू फुलफिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाना है. यहाँ पर आपको आपका जो सब्जेक्ट है BA हमें आप कर रहे हैं या फिर BSc या फिर BCOM जो भी आप कर रहे हैं आपको बहुत टाइप करना है कैपिटल लेटर्स में. मैं यहाँ पर BA टाइप करता हूँ और अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर देना है. एनरोलमेंट नंबर के बाद मोड ऑफ पेमेंट एक ही आएगा यहाँ पर. उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है. सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका डिटेल आ जाएगा यहाँ पर. डिटेल्स पर आने के बाद आपको पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है. 3 प्रेफरेंस मांग रहा है वो. एक तो आपको जहाँ पर एग्जाम देना है वहाँ पर पहले आपका ऑप्शन दे दीजिए. उसके बाद कोई भी 2 ऑप्शन दे दीजिए आपके पास आसपास. तो अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स के कोड नहीं पता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए. यहाँ पर ऐसा एक पेज आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिस्ट. उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ आएगा और डिटेल्स जो सारे वो भर दीजिए. एक बार एग्जामिनेशन सेंटर देख के भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जो पहला प्रेफरेंस सही नहीं होता है तो आपको दूसरे प्रेफरेंस में दिया जाएगा. तो इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने से पहले देख लीजिए एक बार. उसके बाद आपको आपका डिटेल्स भरने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है यहाँ पर. अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए. जैसे कि IGNOU का नोटिफिकेशन आया है तो उसका धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट अपडेट हो जाएंगे. तो अगर आपने आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है जो आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए एक के बाद एक. यहाँ पर अगर यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया तो यहाँ पर वो दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है. तो इसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट चूज करने के बाद कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना है. उसके बाद आपको यहाँ पर जो असाइनमेंट की डिटेल मांग रहा है, असाइनमेंट सबमिट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, नो नहीं करना है. नो आप अगर 30 से पहले, अभी तक आपने अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है लेकिन आप 30 तारीख से पहले कर देंगे तो भी आप यहाँ पर यस ही डाल दीजिए. यहाँ यस करने के बाद यहाँ पर सबमिट दीजिए. सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए जो भी आपका फी एग्जाम फी हो रहा होगा. उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा. तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है. तो अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि लेट फाइन लगने से पहले आप फॉर्म फिलअप करा लीजिए. अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.